हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडी सर केमिस्ट्री क्लास। आज आम केमिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड यूनिट्र फर्स्ट चैप्टर पॉलीमर स्टार्ट करवा। तबे प्रथम जानवा व्हाट इज पॉलीमर। ना पॉलीमर मे बी डिफाइंड एज ए लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ट अप बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अर्थात पॉलीमरटा है गोटाए लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ मॉलिक्यूल, जोटा कि किमिति तैयारी ना रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। अर्थात गोटे छोट यूनिटा बारंबार रिपीट होकर गोटाए बड़ मॉलिक्यूलटे तैयारी। से बड़ मॉलिक्यूलटा को आम कौन कहे पॉलीमर बोली कहे। बात आम इन जनरल बुझापी चाहिए, मनकर गोटे इटा गदाटे अच्छी, तो से इटा गदाटा किमि ना गोटाए गोटे इटा रखिकी इटा गदाटे तैयारी। तले इटा गदाटा को जदि आम पॉलीमर बोली मन करवा, तले गोटाए इटा आमर कौन हम ना मोनोमर बोली कहवा, बाईटा है रिपीटिंग यूनिट। तले रिपीटिंग यूनिट बा द रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर फ्रॉम व्हिच द पॉलीमर इज फॉर्म। द पॉलीमरटा जो रिपीटिंग यूनिट रू फॉर्म होती से रिपीटिंग यूनिटा को आम कौन कह मोनोमर बोली कहवा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम देयर मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ताले पॉलीमराइजेशन का कहवा ना जो प्रोसेस रे मोनोमर रु पॉलीमर फॉर्मेशन है तैयारी करागला, से प्रोसेसटा को कौन कहुची ना पॉलीमराइजेशन बोली कहुची। तापर आसला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमरटा को क्लासीफाए कराई किमिति ना क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन ओरिजिन और सोर्स। फास्ट आसला क्लासीफाए कराई किमिति ना कौ सोर्स रु आई बा कोठु से जात जन्म तार ओरिजिन बा सृष्टि से बेस करके गोटे क्लासिफिकेशन कराई। सेकेंड आसला क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन कंपोजिशन, तार कंपोजिशन को बेस कर क्लासिफिकेशन कराई। थर्ड रे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन मेकानिजम ऑफ पॉलीमराइजेशन, ता पॉलीमराइजेशन मेकानिजम उपरे बेस कर पॉलीमर को मध्य क्लासिफाई कराई। तीन प्रकार क्लासिफिकेशन आसला, बर्तमान आम गोटाए पर गोटाए डिस्कसन करवा। तले फास्ट आस देख डी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन ओरिजिन और सोर्स। द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस डिपेंडिंग अपन द ओरिजिन फ्रॉम व्हिच दे आर डिराइव्ड। कौथिर से डिराइव हो सोर्स रु आसी डिपेंड कर पॉलीमरटा को दिभारे व्यक्त कराई। गोटे आसला एक आसला नेचुरल पॉलीमर्स, आउट आसला देख सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड रे कौन आसला सिंथेटिक पॉलीमर, गोटे नेचुरल पॉलीमर, आउट आसला कौन ना सिंथेटिक पॉलीमर। ताले नेचुरल पॉलीमर क्या कहवा ना पॉलीमर्स फाउंड इन नेचर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। जो पॉलीमरटा आम नेचर रू पाइबा आइदर प्लांट और एनिमल ता कौन कह नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर एग्जांपल आसला किए गोटे आसला स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर्स एटसेट्रा। दिज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। तो इन जनरल एथ्रु प्राय क्वेश्चन आए वन मार्क क्वेश्चन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, जेकोसी दुटा लिख। आसला कौन सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या कहे ना मैन मेड पॉलीमर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। जोटा मनीष तैयारी करो पॉलीमरटा को से पॉलीमरटा कौन कह सिंथेटिक पॉलीमर्स। तार एग्जांपल आसला नाइलन, टेरिलिन, सिंथेटिक रबर एटसेट्रा। ये गला आमर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन ओरिजिन और सोर्स। नेक्स्ट आसला कौन देख डी ना क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन कंपोजिशन। अर्थात डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अर्थात जो स्ट्रक्चरल यूनिटा रिपीट होची तापरे बेस करी दिभारे व्यक्त कराई। गोटे आसला होमोपॉलीमर, आउ गोटे आसला कोपॉलीमर। फास्ट आसला देख होमोपॉलीमर, आउ गोटे आसला सेकेंड रे कोपॉलीमर।
ताले होमो मीन्स सेम आउ को मीन्स डिफरेंट आसीगला। ताले बर्तन आसला देखो होमो पॉलीमर का कहवा ना व्हेन ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल मोनोमर यूनिट इट इज कॉल्ड ए होमो पॉलीमर। जो स्ट्रक्चरल यूनिटा सेम थी अलग ही नथिबो सेटा बारंबार रिपीट होतिबो देले ता कोन कहवा ना होमो पॉलीमर। तार एग्जांपल आसला के देखो होमो पॉलीमर एग्जांपल आसला पीवीसी। पीवीसीटा कोन पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइडटा को अछि सटरे पीवीसी ते यार मोनोमर यूनिट के ना विनाइल क्लोराइड। ते विनाइल आसला में जानिचे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यही गोटे हाइड्रोजन रिप्लेस है जिते गोटाए क्लोरीन एडी बसीगला या कहला कौन ना विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइडटा मनकर एन मॉलिक्यूल्स नहीं गले या पॉलीमराइजेशन कले पॉलीमराइजेशन कौन हो ना यहाँ है आम कौन मोनोमर यूनिट आसला। ये मोनोमर यूनिटा बारंबार रिपीट हे अर्थात ये गोटे आसला पुणी गोटे आस विनाइल क्लोराइड आउ गए विनाइल क्लोराइड ये एडे आसे कौन बड़ी ना ये आसला देख CH2 CHCl। ताले ये जो डबल बॉन्ड थी सिंगल बॉन्ड हो कहीं एपटा आ गए आस ना CH2 CHCl ये एंड आसला अर्थात देख ये मनकर ये गोटे आसला CH2 CHCl ये गोटे आसला पुणी यू स्टार्ट हे किए ना CH2 CHCl पुणी तापर किए आस ना CH2 CH ये आसला CL ये भाया गुड़ाए आसो जितेटा नहीं एनटा नहीं डीएनटा आसो यहाँ है आमर पीवीसी बाईटा पॉलीमर है यहाँ आसला कौन ना विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइडटा कौन आसला डी ना ये मोनोमर। ताले नेम द मोनोमर ऑफ पीवीसी बा पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर के ना विनाइल क्लोराइड ये गला कौन होमो पॉलीमर अर्थात सेम यूनिटा बारंबार रिपीट होती कहले कौन एटी होमो पॉलीमर गला। नेक्स्ट आसवा कौन ना को पॉलीमर। तापर आसला देख को पॉलीमर ताले को पॉलीमर कौन ना व्हेन ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स इज कॉल्ड ए को पॉलीमर। जदि मोनोमर दुटा अलग अलग थी पीवीसी आम देखले कौन दुटा जाक मोनोमर दुटा कहीं जिते गुड़ा थी मोनोमर सबुतक सेम थिला ये कौन हम ना डिफरेंट मोनोमर आसो अर्थात तार एग्जांपल आसला देख डी बुना एस रबर कौन कहले डी बुना एस रबर यहाँ गोटे पॉलीमर आसला यार मोनोमर दुटा मोनोमर आसा डिफरेंट मोनोमर गोटे आसला के ब्यूटा 13 डाइएनि ताले ब्यूटा 13 डाइएनि है कौन ना चार्टा कार्बन रहा वन पाखे डबल बॉन्ड 3 पाखे डबल बॉन्ड ताले ये गला CH2 CH CH ये आसला CH2 ये आसला कौन ना ब्यूटा 13 डाइएनि या सहित तो कौन आसो ना स्टाइरीन। स्टाइरीन आसला कौन ना C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 इटा आसला स्टाइरीन यहाँ जितने पॉलीमराइजेशन हम ना कौन आसला देख ताल ना ये आमर कौन ना CH2 थिला CH2 ये जो डबल बॉन्डटा सिंगल बॉन्ड हो आसो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 तापर ये आसला CH ये आसला C6H5 तापर ये गला CH2 ये गला सिंगल बॉन्ड आसला डी ताले बर्तमान पुणी कौन आसवी यहाँ एनटा आस नेक्स्ट यू पुणी स्टार्ट हे कि ना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH C6H5 CH2 ये भाया रिपीट हो चलो ये आसला कौन ना बुना यहाँ नहीं एन मॉलिक्यूल यहाँ भी एन मॉलिक्यूल यहाँ आसला बुना एस कह बुना एस रबर बोली कहे ताले ये देख मोनोमर दुटा ये गोटे मोनोमर फर्स्ट मोनोमर आसला ब्यूटा 13 डाइएनि सेकेंड मोनोमर आसला के स्टाइरीन ता दुटा मोनोमर यूनिट अलग अलग है कि नहीं ते मोनोमर जिते अलग होते कौन कह को पॉलीमर मोनोमरटा जिते सेम थी कौन कह
ना होमोपोलीमर बोली कह गला क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन कंपोजिशन कंपोजिशन उपरे बेस्ड करी रही तबे नेक्स्ट क्लास को थर्ड जो रहा क्लासिफिकेशन टा बेस्ड अपन मेकानिजम ऑफ पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट क्लास को पढ़ेबी एवं यार जब नोट पाइबा चाहछ ताले मु डिस्क्रिप्शन दे देथिबि लिंक देथिबि लिंक को क्लिक कले से तमे नोट मध्य डाउनलोड कर पार आ जो मैंने मो चैनल को पसंद आसुव पाठपढ़ा भल लगुव से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। थैंक यू।